कुत्ता भी पैदा हो उसे भी झंडा पकड़ा दो तो वो सपा का सांसद हो गया। यहाँ चांदी की चम्मच लेके पैदा होते सैफई घराने में। समाजवादी पार्टी ने विकास तो किया है, कम से कम जो रोड गिराने एक एक रोड बनाई हो, सिंगल एक सिंगल रोड गिराने। पहले तो अखिलेश किसी का सम्मान नहीं करना चाहते, जब बाप का सम्मान नहीं किया तो चाचा क्या करेंगे, इनका नामो निशान नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में एक सीट नहीं बचा पाएंगे कहीं। बीजेपी वाले झूठ का पुलंदा कुछ भी कह सकते हैं, ये बीजेपी वालों को प्रचार के लिए अब की बार गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये बताएं ये कौन से गांव में नहीं घुसने देंगे, पहली मीटिंग उसी गांव में लगाएंगे। मेरा गांव नगला सड़क है, मैनपुरी रोड, मैनपुरी किसनी रोड पे। भाई साहब ने देखा विधायक अटैच लुटवाते थे, एक गवाल यहाँ अटैच लुटवाते थे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, तूने रोजगार के नाम पे थमा दिया नमक तेल और चना, वो भी आज बंद है। जनता अब समझेगी, जनता अब समझेगी। 15 नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी में। मैनपुरी की बात मैं आपको बता दूं, पिछले लगातार 26 सालों से यहां पर समाजवादी पार्टी का सांसद बने हुए थे। अभी फिलहाल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव के लिए अब तैयारियां सभी पार्टी ने तेज कर दी हैं। स्पेशली यहां चुनाव है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, क्योंकि बीजेपी ने, वो समाजवादी पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, डिंपल यादव जी को उन्होंने अपने उम्मीदवार सीट से उतार दिया है यहाँ पर। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ समाजवादी पार्टी से हैं और कुछ भाजपा पार्टी से हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी उनकी पार्टी की और क्या किस तरीके से उनका चुनाव का जो प्रक्रिया है वो होगी। तो पहले मैं आप लोगों का सबका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इन लोगों से। सर आपका नाम? राजीव मिश्रा, भाजपा नेता सभासद। सर आपका नाम? मुकेश मिश्रा, मुकेश मिश्रा नाम है हमारा। नाम? सुशील गायस, पूर्व सभासद। पूर्व सभासद। सर नाम? लोधी नीटू राजपूत, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा। समाजवादी व्यापार सभा। संजीव बाबा, समाजवादी पार्टी मैनपुर। हाँ बिल्कुल, बाबा लग ही रहे हैं। सैलूपाल सभासद राजा कबार। सोनू दीक्षित, समाजवादी पार्टी। सभी का इंट्रोडक्शन हमने आप लोगों से करा दिया है, अब यहाँ पर लोग जानेंगे, संजू बाबा से ही जानेंगे। संजू बाबा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है वो बर्बाद है और वो उनको जीत नहीं मिलने वाली, क्या कहना चाहेंगे? सर पहली बात तो बीजेपी ने अभी डर की वजह से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाया है। डर इतना है कि किसको लाया जाए यहाँ, पहली चीज वो। हम लोगों को तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, नेताजी ने वो किया मैनपुरी के लिए जो लोग हमेशा याद रखेंगे, जब तक जीवित रहेंगे लोग याद रखेंगे। पिछली बार सन 2009 की बात करें तो अखिलेश यादव की विरासत उनको संभालने का एक मौका दिया गया था डिंपल भाभी को, तो उन्होंने उसमें उनको हार मिली थी, तो क्या लगता है वो मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल पाएंगे? वो अलग चीज है, देखो देखिए वो अलग चीज है, ये नेताजी का गढ़ है, इसको हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही और हमेशा से रहेगी, इसको कोई नहीं हटा सकता है। पहले तेज प्रताप यादव जी का नाम सामने आ रहा था कि उनको टिकट दी जाएगी और उसमें शिवपाल यादव भी उनका समर्थन कर रहे थे, और अब एकदम अचानक डिंपल यादव का नाम सामने आता है, तो क्या लगता है? वो पार्टी नेतृत्व की बात है भैया, पार्टी जो करेगी, पार्टी की सारी सब कार्यकर्ताओं ने बताया यहाँ पे विरासत की सीट उनको दी जाए, उस चीज में कोई मनो वो है ही नहीं। अगर अपर्णा यादव को सीट मिलती है तो यादव वो डाइवर्ट होगा? ऐसा नहीं है, अपर्णा यादव यहाँ से लड़ना ही नहीं चाह रही है, बीजेपी अपनी तरफ से उन्हें तैयार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में भाजपा बताती है परिवारवाद, यहाँ पे परिवार नहीं है, परिवार परिवार होता है, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे यहाँ से, जी गलत अफवाह चल रही है। तो क्या भाजपा किस चेहरे को मतलब अब आगे लाना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो बड़ा चेहरा ही लाएगी किसी को? भाजपा अभी तय नहीं कर पा रही किसको लड़ाए, किसको लाया जाए। भाजपा वालों से पूछें, क्या लगता है आपको अपर्णा यादव को टिकट मिलेगी? ये तो नेतृत्व बताएगा, ऊपर जो है बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व है वो बताएगा किसको टिकट, ये हम कैसे कह सकते हैं कि अपर्णा जी लड़ेंगी या किसी और को टिकट दिया जाए, वो जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा मैनपुरी के लिए वो हमारा बड़ा वरिष्ठ नेतृत्व है, वो उन्हें उतारेंगे। साक्ष समाज की भी बात करें तो साक्ष समाज का भी एक नाम सामने आ रहा है बीजेपी में, क्या लगता है बीजेपी साक्ष समाज को आगे करेगी? मैं आगे कायदे में बीजेपी का साक्ष समाज ही में से कोई आएगा जो भी आएगा, क्योंकि अब की बार पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग, लेकिन इनके गढ़ में इनको ध्वस्त करने के लिए हर प्रयास, ठाकुर बनिया ब्राह्मण काया सब जात एक मुस्त होके अब की बार इनको परास्त करने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना जिला अध्यक्ष जो है वो साक्ष को बना दिया है, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वजूद नहीं है।
कुछ नहीं कर पाएंगे। ये साक्ष वोट भी 3.25 लाख है मैनपुरी जनपद के अंदर, इतना विद्युत तो नहीं है आलोक जी का जो इतना यहाँ प्रभाव डाल सके। दो बार लगातार हार चुके हैं यहाँ से चुनाव, दो बार आलोक जी जो यहाँ जिलाध्यक्ष जो अभी नव नियुक्त जिलाध्यक्ष किए गए समाजवादी पार्टी द्वारा, वो दो बार लगातार चुनाव यहाँ से हार चुके हैं। मैनपुर जनपद में दूसरे नंबर पर साख क्या आता है, और भाजपा ने भी यहाँ 3 बार अपना साख प्रत्याशी लड़ाया, जो बात कर रहे हैं साख की, साख के वोट 80% समाजवादी पार्टी के साथ है, और ये 3 बार लड़ा चुके साख को यहाँ चुनाव, 3 बार उसको हार का मुंह देखना पड़ा और 4th बार भी देखेगा। एक मेन सवाल है, बसपा ने यहाँ से अपना उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित करने से मना कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो जो बसपा का वोट बैंक है वो किसकी ओर अब जाएगा? बसपा का वोट समाजवादी पार्टी तरफ जाएगा। क्या क्या ऐसी रणनीतियाँ समाजवादी पार्टी ने बना रखी हैं जो बसपा का वोट उनकी तरफ कन्वर्ट हो? हमारे यहाँ हर दल का लोग, हर जात के लोगों का सम्मान होता है, हमारे यहाँ कई जिला पंचायत मेंबर ऐसी समाज से भी आते हैं, 3-4 जिला पंचायत मेंबर हैं ऐसी समाज के। बिल्कुल, अब लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है जो सतपाल यादव है, बीजेपी से बात करना चाहेंगे, सतपाल यादव भी चाह रहे थे कि वो मुलायम सिंह की विरासत को संभालें, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को टिकट दे दी सतपाल यादव, क्या लगता है कि यादव वो डाइवर्ट होगा? पहले तो अखिलेश किसी का सम्मान नहीं करना चाहते, चाहे वो उनके चाचा हो चाहे कोई भी हो, जब बाप का सम्मान नहीं किया तो चाचा क्या करेंगे। और रही बात इसकी कि बीजेपी जो है, बीजेपी का वो सपोर्ट करें ना करें ये उनका मामला है, हमारी पार्टी यहाँ धुआंधार तरीके से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के सवार वो किसी कीमत पे नहीं हरा पाएंगे। जो समाजवादी पार्टी 3.5 लाख वोटों से जीतती थी, आज की स्थिति ये है 90-95 हज़ार पे आ गई, और इस ये चुनाव हमारा उद्देश्य, जो हम 14 लोकसभा लगभग हारे थे प्रदेश में, वो जीतने का उद्देश्य है। रामपुर जीत ली जहाँ पे ये बहुत मजबूत कहे जाते थे, ये हर जगह हारेगा, आजमगढ़ हार गई, इनका नामो निशान नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में एक सीट नहीं बचा पाएंगे कहीं। तो समाजवादी पार्टी वालों से ही बात करेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं अखिलेश यादव सम्मान करना नहीं जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सम्मान किया सभी का, राष्ट्रीय सम्मान करते हैं सभी का, जनता का, सभी का सम्मान करते हैं। सतपाल यादव भी चाह रहे थे कि वो मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाले और उनको टिकट नहीं दी, अभी देखना आप 2-4 दिन में ही सतपाल जी भी टेम्पल के लिए प्रचार करेंगे, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। इनका आरोप यही है कि अखिलेश यादव सम्मान करना नहीं जानते हैं। बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं, आप जानते हैं खुदा मीडिया से हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये इतने हताश और निराश हो चुके हैं, इनको अच्छी बात सही नहीं लगती, इनको ये लगता है सब झूठे हैं, एक यही सच्चे, अगर ये सच्चे होते तो प्रदेश में ये दिखते, ये पहले 7 में आए अब 7वीं नहीं एक बचा है, वो भी चला जाएगा। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये कहने को गढ़ है, वो बीते जमाने की बातें हो गई, ये लूट तंत्र इतना किया। एक दिन एक यादव जी आंटी है, वो मेरी दुकान पे आई, हमसे कहती बेटा कहीं पर्चे, वो मेरी जमीन एक यादव प्रधान कब्जा किए यही जागीर ब्लॉक में, मैंने कहा बताओ, मैंने अपने मार्केट मालिक के यादव, मार्केट मेरी दुकान है, मैंने उनके लड़के से कहा देखो तुम बहुत यादवों के तहस ही बताते समाजवादी पार्टी, इन्होंने यादवों तक की जमीन नहीं छोड़ी, चलो अदर की कब्जा करते करते रहे, इनकी तो आदत है लूट करने, इतना लुटेरे रहे हैं, लूट डकैतियां, इनकी यहाँ रैली हुई क्रिश्चियन कंपाउंड में, इनके 700 मोबाइल चोरी हुए, क्योंकि जैसी पार्टी वैसे ही लोग जाएंगे, जेब कतरे वो पार्टी में। आरोप लगा दिए बीजेपी वालों ने सीधे सीधे कि लूट करने वाली पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे? पूछिए कभी इनकी जेब कटी है, हाँ मैनपुरी बस स्टैंड में खड़े, पूछिए इनसे कभी आप, पूछिए अभी पूछिए। आपकी रैली की बता रहे हैं कि 700 मोबाइल चोरी, आपसे पहले ही कहा ये बीजेपी वाले झूठा पुलंदा कुछ भी कह सकते हैं, ये हाँ कहना ही कहना चाहेंगे। हमें कितने बार मेरे साथ ये मेरा अपमान करने की, मेरे लूट करने की कोशिश की, यादव मार्केट में जहाँ दुकान है मैं जानता हूँ कैसे अपना सम्मान बचा पाया, अगर मेरी जगह और कोई होता वहाँ बेचारे हैं और दुकानदार दुकानें छोड़ छोड़ चले गई, इतना परेशान करते, इनकी जात का वो बोलवाला वो परचस सुना, लेकिन अब जरूर ये फ्रिज की तरह ठंडे हो चुके हैं, अब ये इतना ठंडे है, 2 जातियाँ जो सबसे ज्यादा यहाँ उल्टे काम करती थी, एक और एक संप्रदाय है उसका हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके शहर में वो हाल था, आम आदमी अच्छा आदमी, मैं दुकानदार, मैं आज 25 साल से दुकानदार हूँ, 7-6 बजे के बाद लड़कियां लेडीज ऐसे घड़ी देखती थी, चलो जल्दी घर चलो रात हो गई, 9 बजे आपकी स्कूटी भी लेडीज दिखा देंगे बाजार में खरीदारी करते हुए 9 बजे, क्योंकि इनका इतना हाल बुरा था, गिरोर के पास लाइन लगा के घंटों बस लुटी, ये वहां रासलीला करते रहे सैफई, इनका तो बहुत बुरा हाल रहा, इतिहास इतना है हम गिनाते गिनाते साले बीत जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा।
क्या कहना चाहेंगे? 6 बजे के बाद लूट चालू हो जाती थी, इनका कहना आरोप है। मैंने आपसे कहा ये कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ आप स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ये ठेले वाले हैं, वो चाय वाले हैं, सब दुकान है, आप यहाँ पूछिए, आप वहाँ जाके एक बार पूछिए, उनका जवाब लीजिए। इनकी अभी बोनी नहीं, रोजगारी नहीं है इनके पास, इनके पास रोजगारी नहीं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, बातों का पलंदा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आम पब्लिक खड़ी है यहाँ, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। जवाब इन जवाब बताइए, जो ये बस स्टैंड पे कह रहे, बस स्टैंड पे कुछ जो पुराने लोग हैं बता देंगे, इनके माननीय पूर्व विधायक जी, यहाँ उनका अड्डा होता था और यहाँ के जितने भी ये कंजड़ और ये सब हैं, इनसे यहाँ क्या करवाते थे, टचियाँ लुटवाते थे, क्या करवाते थे, खुद बता देंगे। हम उन्हें आज से 25 साल पहले से जानते हैं, कुछ इसमें से नए आए जो नहीं जानते होंगे, तो यहाँ जो बस अड्डे का हाल था सब बता देंगे, अब कितनी टचियाँ लुटती हैं बता दूँ। जनता ये कुछ कहना चाहते हैं, कहना है भाई साहब ने जो कहा विधायक अटैची लुटवाते थे, एक गवाह यहाँ अटैची लुटवाते थे, मैं ग्रोवल राजनीति करना छोड़ दूंगा, राजनीति करना छोड़ देंगे एक गवाह, तो अब हम लूटे हुए पकड़ के लाए, ढूंढ ढूंढ के लाए, जहाँ खड़े हैं इतने स्वच्छ और साफ में खड़े हैं, जो बना हुआ खड़ा है, टीन पड़ी होती थी, ये सब विधायक जी का ही काम है, उन्होंने ही बनाया है, ये लोग सफाई भी नहीं करवाते, गलियां ऐसी पड़ी हुई आप जाके देख लीजिए, अभी चेयरमैन भाजपा का है यहाँ पे मैनपुरी, आप कहीं जाके देख लीजिए, कोई कुछ नहीं करवाते ये लोग, कुछ नहीं है, पूरे जब बरसात होती है तो नाली ऐसी भर जाती है, घरों में पानी लोगों को जाता है, इतने परेशान है लोग। बिल्कुल यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, यहाँ आम जनता है मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम चलो चलिए आप बताइए, किसको किसकी सरकार आपकी उपचुनाव होने वाली? हम समाजवादी पार्टी सरकार चाहते हैं, समाजवादी पार्टी जिसको काम करना कोई सरकार, पुल ले लो तुम, और इंजीनियर कॉलेज ले लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज ले लो, IIT कॉलेज ले लो, जब सरकार ने कसना है, अंग्रेजी शासन जा सकते हो तो उससे भले अंग्रेजी शासन अच्छा था। क्या क्या समस्या है आपको इस सरकार की? समस्या हमारी तो बहुत पेचीदा समस्या है, हम 2006 से शिक्षा मंत्री पद पर नौकरी करते थे, हमने MS 2001 में किया था, बेरोजगार थे तो हमने शिक्षा मंत्री, फिर उसके बाद DTC करी, फिर टैक्स करी मैंने, फिर CTS पास करी, और अभी मैं 10,000 रुपया बस आप स्कूल में पढ़ा रहे बच्चे, हमारे बस परिवार नाचते फास हो गया। बिल्कुल एक सवाल निकल के आया है, बेरोजगारी पर लोग परेशान है, ये भी कह रहे हैं मैंने MA करी, TET करी, CTET करी, उसके बाद भी इनकी नौकरी नहीं लगी, 10,000 रुपये पर कहीं काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननी की उम्र देख के मुझे लग रहा 55 साल से कम नहीं होंगे, 50-55 के होंगे, क्या ये 10 साल में इनकी उम्र ओवर एज हो गई? ये तो सपा शासन काल में नौकरी लायक रहे होंगे, 30 साल से उनका शासन था, तब इन्होंने नौकरी नहीं मांगी, आज ही इनको जरूरत है। रही बात नौकरी की, इन्होंने मुद्रा लोन दिया भाजपा ने, बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन होता है, नौकरी सब कुछ नहीं, रोजगार भी अगर मिल जाए, आज मुझे मैं रोजगार करता हूँ, मेरी कपड़े की दुकान, मेरी कपड़े की दुकान है, आज मैं 3 आदमी को और नौकरी दिए हूँ, तो वो अच्छा है कि एक आदमी को नौकरी मिले, वो अच्छा है। और ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्र उस टाइम सबको पता है कैसे भर्ती हुए, सब खेल वहाँ नंबरों का हुआ, मेरिट बनवाई गई भी ऐसे ऑफिस में बैठ सपा सरकार में इनकी, और ये कहते मैं बसपा का आदमी हूँ, सपा की तारीफ कर रहे, ये बसपा के आदमी थे, पिछली बार तो माननीय मुलायम सिंह उनसे मिलके लड़े थे, खूब पैर मायावती ने खूब पकड़ के सबसे छुड़वाए पूरे परिवार से, और उसके बाद भी इन्होंने वोट दे के 95,000 प्ले आए 3.5 लाख से, तब इन्होंने क्यों नहीं जिता लिया, घटोर गए बेचारे। ये सब गंत बोलते हैं, ये सब देखो, ये सरकार है बड़े आदमी की, गरीब नाये है जाने दो बार खेरा में, एक उच्च बल और एक निम्न बल, मध्यम बल खत्म है इसमें, मध्यम बल खत्म है इसमें। यहाँ कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये भाजपा ने युवाओं के लिए क्या क्या किया है? भाजपा ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, जितना सपा ने किया है, जब तक विधायक जी थे तब तक बहुत अच्छा रहा, हम लोग गलियां, दुकानदारी, दुकान इधर सब कुछ बढ़िया था, हमारी अब पीछे दुकान है, खूब मास्टर प्लान चले, लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ, जब फिर भाजपा में हुआ सब बर्बाद कर रखा भाजपा ने पूरी तरीके से। कोई प्लान में क्या अवैध, जो मास्टर प्लान में अवैध जरूर था, लेकिन इतना भी अवैध नहीं था कि गरीब आदमी ऑपरेशन कर रखा है, सपा में कम से कम ये तो था कि पुलिस वालों को थोड़ा कुछ कह दो चले आते थे, अब तो सब लेके और चले आते हैं।
गरीबों को जितने मकान इस सरकार ने दिए उतने किसी ने नहीं दिए। अभी माननीय यही भाई साहब कह रहे थे कि ये सरकार या उच्च वर्ग की है बहुत निम्न वर्ग की है, तो निम्न वर्ग तो गरीब हुआ, गरीब की तो मदद इस सरकार में हुई नहीं। वो कह रहे कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, तूने रोजगार के नाम पे थमा दिया नमक तेल और चना, वो भी आज बंद है। सही बात है, रोजगार के नाम पर तो ये जनता को समझा के ऊपर क्यों नहीं बढ़ते, जनता को समझा कि ये सरकार बेईमान है, ये जीत जाए, ये हर बार हारते जा रहे, ये इतने गड्ढे में जाएगा परिणाम आएगा, वो धीरे धीरे परिणाम आ जाएगा, ऐसा बात थोड़ी जनता धीरे धीरे समझ, जनता भोली होती है वो धीरे धीरे ही समझती है, तो थोड़ा हमको भी टाइम दो, जनता अब समझेगी, जनता अब समझेगी। पूरे जिले में इनकी डकैती और भ्रष्टाचार की तो क्या कहे, पूरे जिले में ऐसे दसियों गाँव थे जहाँ दिन दहाड़े, हम अभी नाम गिना सकते हैं, दिन दहाड़े लूट होती थी, उनकी FIR नहीं होती थी, आज वहाँ दिन में आप किसी भी टाइम रात के 12 बजे जहाँ सुरक्षित है। और जनता क्या चाहिए, सुरक्षा और सम्मान, और सुरक्षा और सम्मान बचा सब कुछ बचा, ये केवल लूटते रहे। इनके सड़क ये बनी, ये ही अपनी कचहरी रोड ये बना बस अड्डे के सामने, ये रबर वाला रोड कहते हैं, इसका जब पूछा था ठेकेदारों तब बताया कम से कम 30 साल में याद है, आज अभी आप देख लो ये 10 जगह चटकी हुई है, 30 साल में याद कम से कम रबर का रोड की होती है। समाजवादी पार्टी ने विकास तो किया है, कम से कम जो रोड गिना दे, एक रोड बनाई हो सिंगल, एक सिंगल रोड गिना दे, एक सिंगल काम बड़ा बता दे, बड़ा काम कराए भारतीय जनता पार्टी, सिंगल काम किया है, गुंडे तमंचों का विकास किया है, जो पहले सपा सरकार है फैक्ट्रिया चलती थी तमंचों की चलती थी, कहाँ गुंडा बनते हो, गुंडा बनाने की मशीन थी इनके पास, रोड का ये कह रहे हैं आज पूरे प्रदेश में, भाजपा पास ऐसी फोटो स्टेट है जो गुंडा इनके पास चले जाते हैं, ऐसी मशीन है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल गंगा धुल जाते हैं पूरे प्रदेश में। हाँ ये इसलिए हमारी फोटो स्टेट में गुंडा सही हो जाता, हमारे पास ऐसी फोटो स्टेट है इसलिए सही हो जाता कि हमारे यहाँ आके हमारा मुखिया सही है, पार्टी का अगर मुखिया सही होता आपके परिवार का मुखिया सही होगा तो एक रोड तो बताएं, एक रोड एक काम एक रोड बता, एक रोड बता दीजिए आप, बड़ा काम बता रहे पूरे प्रदेश में, आज मैनपुरी में एक काम, एक बड़ा काम बता रहे सिरसागंज से और ये पूरी मैनपुरी तक पूरी, अरे ये मैनपुरी तक पूरी रोड अभी भाजपा ने बनाई है, ये बता दें ये किसने बनाई, और दसियों रोड इनकी रोड है सब टूट चुकी, कुशवाहा रोड दोबारा बना जाएंगे क्या, सिंपल यादव 3 लाख वोट जीतेगी, बीजेपी सबसे झूठ पार्टी है, झूठी पार्टी है, एक चीज निकल के आई, क्या कहना चाहेंगे, हाँ बताइए। अभी भाई साहब ने आरोप लगाया था परिवारवाद का, मैं पंकज सिंह के पिताजी का नाम जानना चाहूंगा इनसे, बताएंगे पंकज सिंह ने आज फील्ड में रहकर जो मेहनत की, ऐसा नहीं यहाँ बच्चा भी पैदा हो कुत्ता भी पैदा हो उसे भी झंडा पकड़ा दो तो वो भाजपा वो सपा का सांसद हो गया, पंकज सिंह आज दो बार से मंत्री कब के बने होते, पंकज सिंह को मंत्री ना बनने देना राजनाथ सिंह के हाथ में है, राजनाथ सिंह ने साम मना किया, अटल टाइम में भी पंकज सिंह मंत्री बन रहे थे, आज वो फील्ड में लगा जो 2 लाख से जीतता है, यहाँ चांदी की चम्मच लेके पैदा होते सफेद घराने में, यहाँ जो भी आ जाए बस वो सांसद और विधायक होता है, लेकिन अब वो दिन उनके गए, अब वो अगर मेहनत करेंगे अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे, जैसे अभी राजभर जी ने इनके साथ आए छोड़ दिया तलाक तलाक तलाक, जितने जो दिख रहा है आपको ये सब जेबों का विकास है, उनने की 100 की 30 पैसे लगते हैं खाली, बाकी सब जेब में जाता है, विकास करें कैमरा इधर करिए, ये लाइटें लगी है ये समाजवादी पार्टी ने लगवाई थी, कुछ लाइटें इनमें से खराब हो गई हैं, तो ये सही नहीं करवा पा रहे, खोल के बल्ब लगा रहे उनमें, जेले जा रहे हो बल्ब लगा दे रहे हैं इनमें, और लाइटें मैं देवी रोड चलो आप मैं दिखाता हूँ कि उसमें बल्ब लगे या नहीं लगे हैं, लोगों ने फिर चढ़ चढ़ के लगवा लिए पैसे कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है यहाँ काम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे थे कट्टे तमंचे की, अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ है तो बहुत से 25-25 पिछलें पकड़ी गई, तब किसकी गवर्नमेंट थी, नहीं गवर्नमेंट तो थी तब वो कहां से आ रही थी, बताइए जो सपा कार्यकर्ता वही पकड़ेगा तमंचा पिस्टल वाले, पकड़ा जाए वो समाजवादी, जो पिस्टल इनके पास लगा पकड़ा जाए वो समाजवादी, पकड़ा गया तो पिस्टल इनकी है, नहीं तो इनकी है,
बीजेपी वालों को प्रचार के लिए अब की बार गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी है। ये बताएं, ये कौन से गांव में नहीं घुसने देंगे? पहली मीटिंग उसी गांव में लगाएंगे। ये गांव और घोषित कर जा, पुलिस इनके डीएम, इनके सब इनके डीएम। मेरा गांव नगला सड़क है, मैनपुरी रोड, मैनपुरी किसनी रोड पे। आप आराम से बात कीजिए। क्या कहना? मेरे यहाँ मीटिंग नहीं लगा पाएंगे बीजेपी वाले, याद रखना। सबसे बड़ी बात यह है, आज सिलेंडर के दाम बताइए, आज पेट्रोल डीजल के दाम बताइए, आज महंगाई कितनी ऊपर, आप ये बताइए, आप ये बताइए। मुद्दे की बात करते हैं महंगाई निकल के पेट्रोल के दाम बताइए। क्या कहना चाहेंगे महंगाई पर? सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल के दाम महंगे हो गए। आज सिलेंडर एक फोन पे घर पे तुरंत आ जाता है, इससे पहले की स्थितियां क्या थी? और इन पर रुपया बहुत है, ये महंगाई किस कब से चिंता करने लगे इन्हें? आम आदमी के लिए, आम आदमी की बात नहीं करते। आम आदमी कंधे पे बंदूक धर के चलाते, ये सोचते मेरा लूट तंत्र चालू हो जाए, जैसे पहले लूट करते रहे। आप कोई समाजवादी पार्टी का जरा भी चमचा होगा, थोड़ा बहुत जो उनसे जुड़ा होगा, उस परिवार से या उनके आदमियों से, ऐसा बता दो जो करोड़पति नहीं है। हम आज 25 साल से हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चमचे गाड़ होंगे या चमचेगिरी कोई नहीं करता। विकास की बात करते हैं, ये क्या हुआ कि आज ये 30 साल से इनके परिवार का सदस्य यहाँ मुख्यमंत्री होता रहा प्रदेश का। उसके बाद ये रेलवे लाइन आप देखो, रुको, रेलवे लाइन, इसके बाद रेलवे लाइन, ये इलेक्ट्रिक रेल लाइन कब हुई? अभी हुई इस सरकार में। इलेक्ट्रिक रेल लाइन हुई है। क्या कहना चाहिए? इलेक्ट्रिक रेल लाइन का बीजेपी ने बनवा दी, वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस से इलेक्ट्रिक किसने की? कांग्रेस की देन। पेट्रोल डीजल दाम पूछ लो, पेट्रोल रिफाइंड के रेट पूछ लो। पेट्रोल आज भी हमारी यूपी में, इनकी राजस्थान में सरकार है, उनसे कम रेट है यूपी में। ये अपनी सरकार से क्यों नहीं कम कराते अगर इतने ही बड़े जनता के पैसे हैं? दिल्ली मालूम है? हाँ। क्या है दिल्ली में? किनकी सरकार? किनकी है? केजरीवाल ही है। हाँ, तो वहाँ पेट्रोल मालूम क्या है? वहाँ 94 रुपए, यहाँ 96 रुपए। तो तुम कांग्रेस सभा कर रहे हो? नहीं, तुम बात अपनी कर रहे हो बीजेपी। तो क्या हुआ दिल्ली में? सिलेंडर दिल्ली बताओ कितने हुए? दिल्ली में फ्री मिल रही, फिर से जीत होगी और ये जमानत जब्त हो जाएगी। 4 लाख से जीत और अभी तक क्या चुनाव लड़ेगी ये? ये साके का भी बता रहे हैं, साके का ये 3 बार साको ला चुके हैं। जब साके को राज्यसभा बनाने का नंबर आया तो इटावाल ढूंढ लाए। प्रेम सिंह साके क्यों नहीं बनाया राज्यसभा? 3 बार सीट पे जमानत जब्त होने की बात आई है कि आप सीट पे जमानत जब्त, अपना अपने आप लोगों ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाया सीट पे जमानत जब्त। अच्छा, इससे पहले इतने चुनाव हुए भाजपा सपा के बीच, भाजपा सपा के बीच, ये बता दें अब तक कितने बार भाजपा की जमानत जब्त कर पाए यहाँ सांसदी में, आज विधायकी में? कितने बार मैनपुरी सीट पे आते के ब्याज में हुई? चार लाख हर बार इनका मुंह काला करके भेजा है, इनको चुनाव हरा के भेजा है। कौन सा? क्यों? इस बार भी भेजेंगे, इस बार भी भेजेंगे। हर बार चुनाव हार के गए और इस बार भी जाएंगे। आप 8 तारीख को दोबारा फिर ले रहे इंटरव्यू लेने की 4 लाख से, और ये बताएंगे प्रत्याशी नहीं मिला ढूंढने के लिए, ढूंढ रहे दूरबीन लेके ढूंढ रहे, मिल ही नहीं पा रहा। अब इनकी कौन सी ऐसा अच्छा काम कर दिया जिससे ये बंद कर? ये थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आम जनता की राय। अब 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, मैनपुरी।